लॉ ऑफ मास एक्शन इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो था वो डिराइव किया था। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है ए प्लस बी आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन दे फॉर्म प्रोडक्ट सी प्लस डी। अब इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हमने जो डिराइव किया था वो क्या था, के सी इज इक्वल टू हाथ खड़े के सी इज इक्वल टू जी, ये सेंटर जी बेटे सी मोलर कंसंट्रेशन इंटू डी की मोलर कंसंट्रेशन ओवर ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन। शाबाश बैठे। अब अगर हमारे पास एक और जनरल रिएक्शन है जिसमें हमें साथ नंबर ऑफ मोल्स भी दिए गए, तो अब इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन क्या होगा, के सी इज इक्वल टू सी की मोलर कंसंट्रेशन पावर सी डी की मोलर कंसंट्रेशन पावर डी ए की मोलर कंसंट्रेशन पावर ए बी की मोलर कंसंट्रेशन पावर डी। अब इन्हीं चीज़ों को जहन में रखते हुए हमने चंद एग्जांपल्स करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं सी ए सी ओ थ्री आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन सी ए ओ प्लस सी ओ टू। वी हैव एन अदर रिएक्शन एन टू प्लस थ्री एच टू आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन टू एन एच थ्री। वी हैव एच टू प्लस आई टू आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन टू एच आई। वी हैव एन अदर रिएक्शन पी सी एल थ्री आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू। वी हैव मोर रिएक्शंस टू एन ओ टू एन ओ एन टू ओ फोर आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन। ये भी एक रिएक्शन है हमारे पास 2SO प्लस O2 आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन 2SO3। अब बेटे इनके पहले हमने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखने वन बाय वन आपने लिखवाने हैं मुझे। जी बेटे आप पहले का के सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी ए ओ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी ए सी ओ थ्री। ये इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हो गया इस रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कौन लिखवाएगा, जी बेटे आप के सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पी सी एल थ्री इंटू मोलर कंसंट्रेशन सी एल टू। शाबाश मोलर कंसंट्रेशन पी सी एल फाइव।
जी इस रिएक्शन के लिए कौन लिखवाएगा इसहाक? के सी इज इक्वल टू जी मोलर कंसंट्रेशन है किसकी बोलो बेटे? पावर टू आ गई जी। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन टू इंटू इसका क्यूब। इसके लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जी बेटे आप के सी इज इक्वल टू एच आई की मोलर कंसंट्रेशन की पावर टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एच टू इंटू मोलर कंसंट्रेशन आई टू। इस रिएक्शन के लिए बेटे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। इस प्रैक्टिस का मकसद है जी अब्दुल्ला से पीछे अब्दुल्ला से चलो आप बता दो अब्दुल्ला। के सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन टू ओ फोर ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन ओ टू इसकी पावर टू। जी इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जी बेटे आप। हाँ जी आप के सी इज इक्वल टू एस ओ थ्री की मोलर कंसंट्रेशन पावर टू शाबाश ओवर एस ओ टू की मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर आ गया जी इंटू ओ टू की मोलर कंसंट्रेशन। अब आपको पता चल चुका है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो उसके कोफिशेंट्स होंगे। अब बेटे जो एक हल्की फुल्की सी बात मैंने उस दिन बताई थी कि अगर हम केसी को डिफाइन करना चाहें तो अब मुश्किल रहा हमारे। रेशो है बेटे किन दो चीज़ों के दरमियान? प्रोडक्ट्स के दरमियान और रिएक्टेंट्स के दरमियान। अगली बात क्या है कि जो उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उनकी पावर बन जाती हैं। जो उनके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो उनकी अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ अ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हासिल ज़रब। पहला प्रोडक्ट हासिल ज़रब के लिए इज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशेंट के जो उनके कोफिशेंट्स थे वो उनकी पावर्स बन गई टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स और उनमें भी वैसे ही है रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स। ये प्रॉपर डेफिनेशन है हमारे पास केसी की। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इसके यूनिट्स हैं। हम यूनिट्स कैसे डिराइव कर सकते हैं? एक बात है जो आपकी बुक में पहले लिखी हुई है लेकिन मैं वो बात आपको साबित करूंगा। अब हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः रिएक्शंस लिखे हुए हैं। ये एक जैसे नहीं हैं सारे डिफरेंट हैं। अब हमने कहा हुआ है कि जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको हम जाहिर करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से और मोलर कंसंट्रेशन के लिए जो यूनिट्स हैं वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब हैं।
ऐसा ही है। अब हमने इन कंसंट्रेशंस की जगह हमने डिराइव करने हैं यूनिट्स के सी के। तो अब पहले इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये पहला स्टेप होगा, वो सारे रिएक्शंस में लिखेंगे और हम उनमें उनकी कंसंट्रेशंस की जगह उनके यूनिट्स पुट करेंगे। जैसे अब इस रिएक्शन के लिए हमने केसी के यूनिट्स डेराइव करने हैं, तो लिखेंगे केसी इज इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड के यूनिट्स मोल पर डेसीमीटर क्यूब, कार्बन डाइऑक्साइड का यूनिट, ये भी मोलर कंसंट्रेशन है ना, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब इस एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कट गया। अब इस रिएक्शन के लिए जो केसी के यूनिट्स हैं वो हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसके जो भी आंसर आएगा जब हम कंसंट्रेशंस पुट करेंगे साथ यूनिट, तो जो आंसर होगा उसके साथ केसी के यूनिट्स जो हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब आएंगे। अब इस रिएक्शन के लिए आ जाएं, कौन करवाएगा इस रिएक्शन के लिए? जी बेटे आप। केसी इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। PCl3 के लिए भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, Cl2 की मोलर कंसंट्रेशन के लिए भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब और PCl5 के लिए भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब बेटे नेक्स्ट, अब ये एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक के साथ कट गया, बाकी क्या बचा? Kc इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इस रिएक्शन के लिए भी केसी के जो यूनिट्स होंगे वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होंगे। अब इस रिएक्शन में चलते हैं बेटे, अब्दुल खालिक। मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा इसका। जी शाबाश, मोल पर डेसीमीटर क्यूब मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका क्यूब है, ठीक हो गया। अब अगर नीचे देखें हम तो हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब चार दफ़ा है, तीन दफ़ा ये हो गया, चौथी दफ़ा ये हो गया। ऊपर देखें, ऊपर वाले दो दफ़ा वाले मोल पर डेसीमीटर क्यूब से नीचे चार में से दो दफ़ा कट जाएगा, ऐसा ही है। अब जो रिजल्टेंट सूरत हाल होगी हमारे पास वो होगा केसी इज इक्वल टू वन ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, बाकी ऊपर ख़त्म हो गए, कट गए। इस तरह भी लिखा जा सकता है। दूसरा, इस स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, कैसे? वन ओवर मोल स्क्वायर डेसीमीटर क्यूब माइनस, ठीक हो गया। और अगर हम ये बटे ख़त्म करते हैं इनके, इसको ऊपर लेके जाना है, केसी इज इक्वल टू, जी अब्दुल खालिक क्या होगा बेटे? मोल पावर माइनस टू प्लस थ्री माइनस हो जाएगी, शाबाश। माइनस था वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस सिक्स था ऊपर जाके प्लस सिक्स में। अब इस रिएक्शन के लिए इसके यूनिट्स जो हैं केसी के वो ये होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन में आ जाएं। जी बेटे बैठ जाओ, शाबाश।
नेक्स्ट रिएक्शन जी असर मसूद, के सी इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमारी N2O4 के लिए ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो, इसका स्केयर आ गया। ऊपर एक है, नीचे एक के साथ एक कट गया, इसमें से एक गया और इस स्केयर में से एक चला गया। के सी इज इक्वल टू 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसको ऊपर लेके आएंगे हम तो के सी इज इक्वल टू जी असर माहा पर मोल डेसीमीटर क्यूब। प्लस वन था जब तक नीचे था, ऊपर आया माइनस वन हो गया, माइनस थ्री था नीचे था, ऊपर आया प्लस थ्री हो गया। अब इस रिएक्शन का आसान हो गए अब तो मेरा ख्याल ज़्यादा। जी बेटे के सी इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर जी आगे इनटू दी ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब जी आयोडीन के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ऊपर कितने हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, नीचे कितने हैं, इट मींस नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो गए। अब इस रिएक्शन के लिए केसी के यूनिट्स क्या होंगे, 9 यूनिट्स। अब इस तरह के जब क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो जब केसी के यूनिट्स लिखने होंगे तो नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि वो कैंसिल हो चुके हैं। अब आ जाओ इस रिएक्शन में जी बेटे, आप के सी इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर ओवर, अब इसके लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, अब ऑक्सीजन के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी कोई पावर नहीं, ठीक हो गया। इस स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर वाला कट गया, बचा क्या हमारे पास, के सी इज इक्वल टू 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसी को हम जब ऊपर लेके आएंगे इज इक्वल टू पर मोल डेसीमीटर क्यूब। अब यहां पर बेटे हमने नोट करना है इस रिएक्शन के लिए केसी के यूनिट्स ये हैं, इस रिएक्शन के लिए केसी के यूनिट्स ये हैं, इसका आंसर ये है, इसके लिए केसी के यूनिट्स ये आए हैं, केसी के यूनिट्स ये भी हो सकते हैं, और इस सूरत में केसी के यूनिट्स ये हैं। ज़रा गौर करो, एक जैसे, मतलब हम कहें कि केसी के यूनिट्स हमेशा एक जैसे होते हैं, बात ठीक है, नहीं, केसी के यूनिट हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट होते हैं, केसी के यूनिट हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट होते हैं, सेम हो भी सकते हैं, सेम है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, फिक्स नहीं है, हर रिएक्शन के लिए केसी के यूनिट्स आपको डेराइव करने पड़ेंगे। समझ आई बात की? आज बेटे हमने 3 बातें सीखी हैं, पहली बात डेफिनेशन ऑफ केसी,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन याद करनी है आपने। दूसरी बात, किसी भी रिएक्शन के लिए हमने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना, किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है वो कैसे लिखा जाएगा। तीसरी बात, किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम के जो केसी के यूनिट्स हैं वो कैसे डिराइव किए जाते हैं, या केसी के यूनिट्स क्या होंगे। कोई मुश्किल बात है जो बात नहीं समझ आई वो पूछ लो, आसान सी बातें हैं मेरा नहीं ख्याल।